उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी थाना इलाके में एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 18 साल के आदिल के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को सब्जी मंडी शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। आदिल परिवार सहित बुराड़ी गढ़ी में रहता था। उसके चाचा इनाम ने बताया कि उनकी 8 संतानों में चौथे क्रम का आदिल कैंटीन में काम करता था। गुरुवार सुबह वो अपने दोस्त गोलू के साथ बाइक से घर से निकला था। इस बीच जब घर नहीं लौटा तो उसे ढूंढने के लिए परिवार के लोग निकले। इस दौरान घूमते हुए प्रधान इंक्लेव के पास ठोकर संख्या 1 पर पहुंचे तो देखा कि खेतों में खून से लथपथ आदिल पड़ा हुआ था। उसका गला कटा था और चारपाई का पाया भी खून से लथपथ था। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि उसने आदिल को गोलू नाम के शख्स के साथ देखा था। फिर उसने गोलू को बोरे से मुंह ढककर बाइक से भागते हुए देखा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संभावना है कि नशा करने के दौरान ही दोनों में विवाद हुआ हो, जिसकी वजह से आदिल की हत्या हो गई। आरिफ, क्या कुछ हुआ यहाँ? किसका मर्डर हुआ? हम तो भी घर से आए थे यार, लगा यहाँ से पता इसका मर्डर हो गया, फिर उसके पीछे भाग गए, हाथ तो नहीं आया और बोरी डाल रखी थी उसने अपने ऊपर। क्या करता है आपका भाई? भाई खेती करता है जी, मूली पाड़ने के लिए आए थे, एक सवा घंटे पहले आ गया था। तो आपको कैसे पता लगा, किसने बताया? जी सर, हम ऐसा आए थे, यहाँ से निकल गया, ट्रैक्टर आ रहा था, वो देखते सर हमारा ट्रैक्टर भाग गया, बाद में पता लगा जब इसको। तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और रंजिशबाजी हो? हमें नहीं मालूम है। किसी को शक हो? जी नहीं। कोई इसके साथ भी आया था? जी साथ पता नहीं, अभी पता नहीं लगा क्या रहे। जिससे बाइक लेकर आया था, जिसके द्वारा काम कर रखा था, ट्रैक्टर ले रहा था, वो चला कर था, वो कह रहा था अगर से बात है, वो ट्रैक्टर बाइक दे दे मेरे से अपनी, उसकी बाइक थी, वो लड़का ले रहा, वो लेकर चला गया था, फिर अब पता नहीं लगा। बाइक भी मांग के लाया था? नहीं, बाइक इसकी थी, खुद की, वो अपनी बाइक दे गए और वो जिसकी इसकी बाइक भी लेकर भाग गया, जिसने मर्डर जिन्होंने मर्डर किया उसकी बाइक भी लेकर। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 17 साल की होगी। इनाम? हाँ इनाम। क्या देखा था आपने, क्या पता लगा आपको? मेरे को ये पता चला था जी, यहाँ पे मेरा भतीजा लगता है वो, मैं अपने दूसरे खेतों में काम कर रहा था, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, तो एक लड़के ने मेरे पास फोन किया, उनको तेरे भतीजे का मर्डर हो चुका, जल्दी आ जा। सत्तार नाम का आदमी है जिसने मेरे पास कॉल किया था। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसके जैसे 2-4 पब्लिक हुई मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे मेरे को मिला तो कोई ना, पर ये पब्लिक ये बोल रही थी कि एक लड़का यहाँ से बोरी से ओढ़ करके ऐसे भागा, खेतों से भागा, बाइक पे भागा है। वो हाथ नहीं आया किसी की भी। जब आपने फिर मैंने 100 नंबर को कॉल किया, जब आपने आकर के देखा किस हालत में पड़ा था ये? तो जब ये मरा पड़ा होता, डेथ हो चुकी थी। क्या गला रहता हुआ है क्या कुछ? ये चेहरे पे इसके चाकुओं से ऐसे वार लग रहे थे कि खूनम खून हो रहा था सर। कोई इसके साथ भी आया था उस टाइम पे? इसके साथ में कोई नहीं था, इसके भाई थे और इसकी मम्मी थी, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे से पहले भी पहुंच चुके थे यहाँ। तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा रंजिशबाजी कुछ? इसकी लड़ाई रंजिशबाजी किसी से मैंने तो सुना नहीं जी, और इसके भाइयों से पूछ के बताऊंगा। करता क्या है ये? ये खेतीबाड़ी का काम करता है।